हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनीजे जहांगीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। नाजरीन, एमक्यूएम पाकिस्तान में उखाड़ पिछाड़ जारी है। एमक्यूएम पाकिस्तान के सीनियर रहनुमा और कराची के डिप्टी मेयर अरशद वोरा हाल ही में मुस्तफ़ा कमाल की पाक सरजमीन पार्टी में शामिल हो गए। इतनी बड़ी तब्दीली की आखिर वजह क्या थी? कहने वाले कहते हैं कि एमक्यूएम के बानी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमे में होने वाले एफआईए के तफ्तीशी रेडार में अरशद वोरा भी आ गए थे, जिसके फौरन बाद अरशद वोरा ने पलटी मारी। कैसे, आइए दिखाते हैं। कोई ताल्लुक लंदन से या अल्ताफ हुसैन साहब से नहीं है, तो मैं सरफराज मर्चेंट के इस इल्जाम को भी मुस्तरद करता हूं। देखें भाई, ना 22 अगस्त से पहले मेरे इल्म में है कि कोई मनी लॉन्ड्रिंग हुई, ना 22 अगस्त के बाद कोई मनी लॉन्ड्रिंग हुई। मैं मुस्तरद करता हूं, तो मैं आज भी अरशद वोरा हमें छोड़कर चले गए, उसके बावजूद बशमूल अरशद वोरा इन तमाम साहिबान की तरफ से भी ये वसूक के साथ कहता हूं कि ये किसी किस्म की मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल नहीं है। इधर मीडिया पर एमक्यूएम पाकिस्तान के खिलाफ इल्जामात का सिलसिला पहले ही शुरू हो चुका था। डॉक्टर अरशद वोरा उन चंद लोगों में से हैं और खुसूसन जो वहां से सारी पैसे की ट्रांजैक्शंस में इन्वॉल्व रहे हैं, और उस हवाले से जो इन्वेस्टिगेशंस एफआईए कर रही है, कोई ऐसी प्रॉब्लम्स फेस हुई है जिसकी वजह से उन्होंने अपने आप को एक और पार्टी के साथ मुंसलिक किया है। 22 अगस्त से पहले भी था, वो तो बहुत खुल के ट्रांजेक्शन हुई, 22 अगस्त के बाद छुपा के हुई, पिछले कई काफी दिनों तक वो ट्रांजेक्शन होती रही। अल्ताफ हुसैन साहब की हर चीज के पैसे बिल्कुल यही लोग पे करते रहे। ये सिर्फ लफाजियों तक और बातों तक है ये बात कि जी हमने लातालुकी कर दी है। फारूक सत्तार साहब समेत इनके कई रहनुमा अब तक लंदन से रबते में है और हर लंदन की ख्वाहिश पूरी की जाती है। लेकिन आज एमक्यूएम पाकिस्तान के सरबरा डॉक्टर फारूक सत्तार ने सारे इल्जामात को मुस्तरद किया और कुछ एंकर हजरात से इल्तजा की कि वो इस तनाजे में पार्टी मत बने और बिला वजह एमक्यूएम पाकिस्तान को निशाना ना बनाए। मीडिया के कुछ इक्का दुक्का एंकर्स भी अगर पार्टी बन रहे हैं, फरीक बन रहे हैं, तो हमारी ये मजबूरी है कि आज हम उन इल्जामात की भी तर्दीद करें, उन्हें कतई और कतई मुस्तरद करें। आज नामवर अंग्रेजी अखबार डॉन ने भी अपने इदारे में एडिटोरियल में लिख डाला है कि जिन हालात में अरशद वोरा ने एमक्यूएम पाकिस्तान से अपनी राहें जुदा की हैं और जो सियासी तब्दीलियां रूनमा हो रही हैं, इसने वाजे कर दिया है कि किस तरह कराची के सियासी मंजरनामे को इस्टैब्लिशमेंट अपनी मंशा के मुताबिक ढालने की कोशिश कर रही है। तो नाजरीन, ये सारे मामलात हमारे सामने हैं, इसलिए हमने आज का प्रोग्राम जो है वो एमक्यूएम की डिविजन्स के ऊपर रखा है। हमारे साथ हैं एमक्यूएम पाकिस्तान के सीनियर रहनुमा सेनेटर ताहिर मशदी साहब, बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी करेंगे सेनेटर मुर्तज़ा वहाब साहब, कराची से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। पाक सरजमीन पार्टी से हमें जल्द शरीक करेंगे वसीम आफ्ताब साहब, और कराची की सियासत पर तज्ज़िया लेंगे हम सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार अवैस तौहीद साहब का। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले ताहिर साहब, आपकी जानिब आती हूँ। हमने देखा अब अरशद वोरा, उससे पहले मियां अतीक, फिर हमने देखा कि और भी बड़े आपके ऐसे लीडर थे जो जुदा हो गए। लीडरशिप के बहरान की होने की वजह से क्या फारूक सत्तार वो उस तरह से पार्टी को इकट्ठा रख ही नहीं सके जिसकी शायद आप सबको तवक्को या ज़रूरत हो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मियाँ अतीक का तो केस ही हो रहा है, वो तो उनका वोट गलती से, उनको खुद कहते हैं मेरी गलती से हो गया, ही इज़ अ सेनेटर और हमारे साथ ही है अभी। ऑन कैमरा तो कुछ कहते हैं, ऑफ कैमरा कुछ और वो कहते नहीं, वैसे सेनेट में तो जो फॉलो करते हैं, हाँ। जिधर भी हम वोट करते हैं, कल हम उन्हें
احتجاج کیا تھا جرنلسٹ کے لیے ہی سپورٹڈ می اینڈ ورکڈ آؤٹ ود می آج میں نے چلیے سلمان مجاہد کا بھی ایگزامپل ہے آپ کے سامنے یہ جو لیڈیز کو اور بچوں کو اریسٹ کیا I walked out, he walked out with me. So, وہ سلمان مجاہد صاحب بھی ہیں سلمان مجاہد صاحب اگین ڈسپلنری ایکشن سے نکالے گئے ہیں یہ یہ کیس وورا صاحب کا اور یہ باقیوں کا ڈفرینٹ ہے یہ جو جیسے کہ آپ نے بالکل ڈاکیومنٹری بھی بتایا ہے اور تھوڑی سی کلپس بھی دکھائے ہیں یہ تو بیچارے کے اوپر وہ کیس کیا گیا یا کیس ہو گیا ہے یا کیس ہے یا نہیں ہے تو اس کے خوف سے وہ چلے گئے ہیں کہ شاید ادھر ان کو ریلیف مل جائے کہ وہ کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کی وہ ایک گروپ ہے پارٹی تو ہے نہیں اٹس ناٹ بہرحال جو بھی ادھر سے جا رہا ہے وہ آپ کی پارٹی سے ہی زیادہ تر آ رہا ہے نہیں وہ ہے ہی ہم ون اینڈ اونلی پرپز از ٹو بریک دی مینڈیٹ آف متحدہ قومی موومنٹ جو سب کو پتہ ہے پاکستان میں اگر ہم ایمان سے اپنی آنیسٹی سے سوچیں اور دیکھیں جو بھی ہم نے ٹی وی پہ دیکھے اگر ہم جانتے بھی نہیں کراچی کی حالت جس طرح پرسیکیوٹ کیا گیا ہے متحدہ قومی موومنٹ کو جس طرح وکٹمائز کیا گیا ہے متحدہ قومی موومنٹ کو جس طرح مہاجروں کا جو یونٹی کو توڑنے کی کوشش کی گئی ہے جس طرح ان کے مینڈیٹ کو نہیں مانا گیا جس طرح ان کے ایم این اے کامیاب ہو گئے ہیں کہ نہیں اس طرح لگ رہا ہے کہ وہ اب کامیاب ہو گئے ہیں ان کا اس طرح ڈیپیوٹی مور ڈیپیوٹی میئر اس طرح ان کا توڑ جانا بہت بڑی بات ہے ارشد وورا صاحب آپ کے ڈیپیوٹی میئر تھے کیا ہوتا ہے آپ کو پتا بھی ہے جی بالکل معلوم ہے نو ویلیو نو ویلیو نو ہی ہیز نو ڈیوٹیز آپ کو پتا نہیں وہ بیٹھتے ہیں کاؤنسل کے اوپر چیئر کرتے ہیں دیٹس آل آل پاور از ود دا میئر وٹ ایور دا میئر ڈیزائرز ٹو گیو ٹو دی ڈپٹی میئر وی انڈرسٹینڈ دیٹ مگر کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ کی پارٹی کے اندر اس وقت ڈویژنز نہیں ہو رہی جس کے نتیجے میں آپ کی پارٹی کے لوگ جو ہیں وہ چھوڑ کے پی ایس پی میں جا رہے ہیں نہیں نہیں ایک آدمی کو اگر سارا پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ نے مل کے ایک آدمی کو کہا کہ جی تمہارے سارے کچھ معاف سارے گناہ معاف تم نے اگر لانڈرنگ بھی کی ہے تو ہم معاف کر دیں گے تو اگر وہ چلا گیا تو کون سی کوئی بات آپ لوگ صحیح بات کیوں نہیں کرتے ویسا کیا ہم صحیح بات نہیں کر پا رہے اور یہی وجہ ہے کہ اگر وہ پی ایس پی میں چلے جائیں گے تو جو ان کے لانڈرنگ کے ان کی تفتیش نہیں ہوگی چونکہ منی لانڈرنگ کا کیس تو سرفراز مرچنٹ نے پاکستان میں بھی کھول دیا منیجب ایم کیو ایم طالبان تو ہے نہیں کہ آدھی بات یہ خود نہ سمجھ پائیں اور آدھی بات ان کی دنیا نہ سمجھ پائے تو میرے خیال یہ ہے کہ دیکھیں یہ تو گھر کے بھیدی لنکا ڈائیں ہم اور آپ تو یہ بات نہیں کر رہے جو کچھ مئی 2013 سے ہو رہا ہے ایم کیو ایم کے اندر اس سے قبل کہیں نہیں ہوا یعنی کہ ہم تین دہائیوں سے ایم کیو ایم کی سیاست کو دیکھ رہے ہیں اور کئی نشیب و فراز آئے اور کئی دفعہ ڈیفیکشن ہوا کئی دفعہ اسپلٹ ہوا لیکن اس دفعہ کا جو یہ اسپلٹ ہے اور اس دفعہ کا جو ڈیفیکشن ہے یہ انوکھا قسم کا ہے اور یہ خود ایک دوسرے کے خلاف الزامات جو ہے وہ لگا رہے ہیں خود ہی راز بتا رہے ہیں خود ہی جھوٹ سچ جو ہے اس کا فیصلہ کر رہے ہیں اس میں نہ اینکر حضرات کا ہے نہ کسی اور کا لینا دینا ہے بات یہ دیکھیے سرفراز مرچنٹ بھی انہیں کی ایم کیو ایم کی کوک میں سے تھے فاروق ستار صاحب بھی مصطفیٰ کمال صاحب انیس قائم خانی صاحب بھی سب لوگ ایک ہی جگہ سے نکلے ہیں اب اگر ایک کا ہیڈ کوارٹر بہادر آباد میں آ جائے اور ایک کا پی ایس ایچ ایس میں آ جائے تو اس میں میڈیا کا لینا دینا تو کچھ بھی نہیں ہے منیجے بات بہت سنگین قسم کی ہے اور یہ میرے خیال میں جتنا ایک دوسرے کے خلاف پریس کانفرنسز کر رہے ہیں الزامات لگا رہے ہیں اتنا ہی ان کا ووٹر کنفیوژن کا شکار ہو رہا ہے اور آنے والے دنوں کے اندر ہم دیکھیں گے کہ یہ ڈیوائیڈڈ ایم کیو ایم یا منقسم ایم کیو ایم جو ہے وہ منقسم ان کے تقسیم شدہ ووٹ ہوں گے اور بہت سارے ووٹرز جو ہوں گے اس کنفیوژن کے اندر اور ڈسلوژن کے اندر گھروں میں رہنا پسند کریں گے اور یہ ہم نے جس طرح 1997 میں مرتضیٰ بھٹو صاحب کی شہادت کے بعد ہم نے دیکھا کہ سندھ کے اندر ووٹرز نہیں نکلے نہ انہوں نے کسی دوسری پارٹی کو ووٹ دیے اور نہ اپنی پارٹی کو ووٹ دینے نکلے اسی صورتحال ہم دیکھ رہے ہیں تو آنے والے دنوں میں منیجے آپ دیکھے گا کہ کراچی میں ایک سیاسی سرکس ہوگا اور اس کے اندر ساری پارٹیز اس طرح آ کے اپنے کھوٹے جمائیں گی
जिस तरह अजमेर शरीफ की कोई देख है उसके अंदर कोई सुराख हो रहा है और अच्छा, ये झोली में जो है कि लोग अपने अपने वोट भर लेंगे ऐसा नहीं है। मगर वैसा बात ये है का भी और वहां के मसाइल का भी, ये पीपुल्स पार्टी को भी समझ में नहीं आ रहा, ये पीटीआई की समझ में नहीं आ रहा, पीएमएलएन की समझ में नहीं आ रहा। इनका कराची को देखने का अच्छा जो है एस्टेब्लिशमेंट का और मुख्तलिफ अदवार की हुकूमतों का वो बड़ा नाकस है, तो उससे इनको नजर वही सूरत हाल आएगी उसके अंदर सिक्योरिटी फोर्सेज से ये गवर्न करवा ले कराची और खुश हो जाए। मुर्तजा वहाब साहब, बात तो उनकी एक तरीके से ठीक है कि ठीक है आप कराची को गवर्न करा लें, मगर एक तरीके से अगर आपकी जमात की तरफ देखें तो आज फारूक सत्तार साहब ने आपको भी तनकीद का निशाना बनाया है। उन्होंने कहा है कि जो केएमसी के अंदर मेयर के खिलाफ पोस्टर्स लगे थे वो कराची पुलिस ने लगाए थे, वो हुक्मरान जमात ने लगाए थे और हमें जो स्पेस नहीं दी जा रही वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं दे रही। और उन्होंने कहा कि हम जलसा करना चाहते हैं 5 नवंबर को करना चाहते हैं, क्या आप उसकी इजाजत देंगे कि नहीं देंगे? तो जब आप दूसरी पार्टियों के लिए स्पेस शिंग करते हैं, कल के लिए आपके लिए भी तो हो सकती है ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहीं मुनीजे, ये बात बिल्कुल गलत है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किसी भी सियासी जमात को उसका जो सियासी राइट है उसको अदा करने से रोक रही है। ये गलत बात है, मैं इसकी तरदीद करता हूँ। कल मेरे ख्याल में वसीम अख्तर साहब ने शायद लाइव टेलीविजन पर यह बयान दिया था, मीडिया ग्रुप के लोग आए थे और उन्होंने ये चॉकिंग की थी और इस तरह की वीडियोस बनाई थी, तो आई डोंट सी कि कोई इसमें सब्सटेंस है, ये कोई सियासी बात की है डॉक्टर साहब ने। देखें, इम्पॉर्टेंट चीज़ मुनीजे ये है कि कोई चीज़ भी जो नेचुरल प्रोसेस के थ्रू नहीं होती वो शॉर्ट लिव्ड होती है और वो ख़त्म हो जाती है। ये इस तरह की जितनी भी चीजें, ताहिर साहब भी यही कह रहे थे, ताहिर साहब भी यही कह रहे थे, मगर मुझे हैरत होती है कि आप जैसी पार्टी भी दूसरी पार्टियों को जगह नहीं देते और उनका आपके खिलाफ शिकायत होती है कि जी ये हमें जगह नहीं दे रहे, स्पेस नहीं दे रहे सियासत करने की। नहीं मुझे बताए ना मुनीजे, कैसे ये कहते हैं कि हम इनको स्पेस नहीं दे रहे? ये पिछले एक साल से बयान दे रहे थे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत केएमसी को फंड्स नहीं दे रही। अरशद वोरा साहब ने खुद आके स्टेटमेंट दे दिया कि फंड्स का इशू नहीं है, इख्तियारात का इशू नहीं है, इशू नियत का है, इशू काम करने का है। तो अगेन इन चीज़ों पे नहीं जाना चाहिए। बात ये बड़ी सिंपल है कि अगर किसी शख्स के ऊपर कोई इल्ज़ाम लगा है तो ड्राई क्लीनिंग के प्रोसेस के थ्रू उसको साफ नहीं होना चाहिए, उसकी प्रोसिक्यूशन होनी चाहिए। और अगर हम किसी अननेचुरल प्रोसेस के थ्रू उनको साफ करने की कोशिश करेंगे तो मैं समझता हूँ कि कराची के साथ ज्यादती होगी। मुनीजे, पिछले 35 साल से कराची के अंदर एक खौफ की फिजा थी, बिल आखिर कराची के अंदर वो खौफ की फिजा खत्म हुई है, वोटर्स अब रिलैक्स्ड हैं। मुर्तजा साहब, एक जो बात आपने ड्राई क्लीनिंग की थी ना, इसलिए चूंकि हमें वसीम आफताब साहब ने भी ज्वाइन किया हुआ है, वसीम आफताब साहब, अब जब अरशद वोरा साहब आपकी जमात के अंदर आ गए हैं, उनके ऊपर बहुत सारे इल्जाम हैं, कई इल्जाम का तो आपकी पार्टी भी जिक्र करती रही, मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जाम हैं, क्या आप चाहेंगे कि उनकी सही मायने में तफ्तीश हो और कानून के मुताबिक जो है उनके खिलाफ कार्रवाई हो? से बड़ी जबरदस्त बातें होती हैं। मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में मैं आज करना चाहूँगा आपके जनता के अंदर में, तो मनी लॉन्ड्रिंग का जो केस था पहले ये बरतानिया में चल रहा था, उसमें स्कॉटलैंड यार्ड ने अल्ताफ हुसैन साहब को उनके अपने स्टेटमेंट थे कि वो रॉ से फंडेड हैं, उस इन्वेस्टिगेशन के अंदर इंटरवीन नहीं किया गया भारत जो है वो। आई एम वेरी सॉरी वसीम आफ्ताब साहब, ब्रेक मुझे लेनी पड़ेगी क्योंकि आपके साउंड का बहुत इशू आ रहा है। ब्रेक के बाद जरा ये बात करते हैं क्योंकि आज संगीन इल्जामात फिर से लगे जो सरफराज मर्चेंट साहब ने लगाया और जिसकी तरतीब फारूक सत्तार साहब ने कर दी कि मेरा कोई ताल्लुक हिंदुस्तान के साथ नहीं है, मेरा कोई ताल्लुक किसी और फॉरेन फंडिंग के साथ नहीं, मगर ये मामला जा कहाँ रहा है? फॉरेन फंडिंग की भी बात हो रही है और केस भी है, आपको पता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में फॉरेन फंडिंग के हवाले से, तो ये बात कहाँ जाके रुकेगी? ये सब कुछ वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। वसीम साहब, मैं आपसे बात करना चाहती हूँ, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल। अच्छा, साउंड आपका हमें नहीं आ रहा। मुर्तजा वहाब साहब, ब्रेक से पहले आप अपनी बात मुकम्मल करना चाह रहे थे, बताइए। मैं सिर्फ मुनीजे गुजारिश ये कर रहा था कि जो कराची का वोट बैंक है उसको हमेशा स्टाइफल करने की कोशिश की गई है और कराची के लोगों को वो राइट नहीं दिया गया कि वो खुल के अपने वोट का इजहार कर सकें।
ये अल्हम्दुलिल्लाह जो डर की फिजा थी कराची से वो पिछले 2-2.5 सालों में ख़त्म हुई है। उसके बाद कराची का शहरी जो है अब ज्यादा कंफर्टेबल और कॉन्फिडेंट फील करता है अपना डेमोक्रेटिक राइट एक्सप्रेस करते हुए। कत्ता कलामी तो गुजारिश मेरी ये जी, गुजारिश आपकी क्या है? मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि इस तरह के अननेचुरल प्रोसेस का कोई फायदा नहीं है, इस तरह की इंजीनियरिंग से कुछ नहीं होगा। आप 2018 के अंदर जो भी सियासी जमात है उसको खुल के इलेक्शन लड़ने का राइट हो, वो इलेक्शन लड़े। आप देखेंगे कि कराची वाले जो हैं अब खुद फेडरेशन की सियासत करेंगे, जो वफाकी पार्टीज हैं उनको सपोर्ट करेंगे, और आप देखेंगे कि एक पैराडाइम शिफ्ट आएगा 2018 के इंतखाबात में कराची के वोट बैंक में। अच्छा ताहिर साहब, हम इसको सपोज कर लेते हैं कि आप कोई पार्टी तोड़ने के लिए कुछ इंजीनियर हो रहा है जिसकी वजह से बहुत सारे लोग जो हैं वो पीएसपी में जा रहे हैं। बहुत सारे नहीं, 3-4 चले, 3-4 लोग, 5-6 लोग टोला कह लें जो भी है वो पीएसपी में जा रहे हैं। मुझे आप ये समझाने की कोशिश करें कि जो बाकी जो सियासी पार्टीज हैं, जिस तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ एक का एक नेचुरल अलायंस भी आपका होना चाहिए था ज़हनी तौर पे, रवैया रहा है, हाउ कम कि वो आपको स्पेस नहीं दे पाए या उनके साथ भी आपकी कोई अलायंस नहीं बन पाई, आप लोग वन पॉइंट एजेंडे पे ही नहीं आ पाए? नहीं देखिए, कि पॉलिटिकल स्पेस तो होनी चाहिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बड़ी पार्टी है और सिंध की इंटीरियर सिंध की उसके पास मैंडेट है। इट डजंट हैव एनी मैंडेट इन द सिटीज मगर एक्सेप्ट 1 or 2 सीट्स, बाकी इसको कोई वो आप नहीं कर, डाउट नहीं कर सकते उसकी जो पावर है रूरल एरियाज में, उसको किसी पार्टी की ज़रूरत नहीं है इस वक्त। वो खुद रूल कर सकती है और उसका डिज़ायर भी नहीं है कि वो हमें छोटी पार्टियों को या हमारे मैंडेट को भी एक्सेप्ट करे और हमें भी साथ लेके चले। तो अब वो क्योंकि नहीं बना सियासी जोड़ तोड़ नहीं बन सका कि हमें भी लेके चले, हमारे मैंडेट को एक्सेप्ट करे, हमारे शहरों की डेवलपमेंट उसी तरह करे जिसे रूरल एरियाज की करते हैं, जो हमारे लोकल बॉडीज़ के हक हैं अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 120A के, ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिटिकल एंड पॉलिटिकल पावर टू बी गिवन टू लोकल बॉडीज नहीं दिया गया, इनफैक्ट लिया गया। जो मेन चीज़ें हैं, वाटर बोर्ड भी ले गए, सैनिटेशन भी ले गए, बिल्डिंग भी ले गए, तो देयर इज नथिंग लेफ्ट विद द लोकल बॉडीज इन कराची। सो वो क्लैश हो गया, सो देयरफॉर वी आर नॉट कमिंग ऑन दिस। बट हमें जो एक्सेप्ट ये जो एस्टेब्लिशमेंट है दैट हैज ऑल्सो नॉट गिवन अस द चांस। देखिए मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट एक न्यू पार्टी है आफ्टर द 22nd, क्योंकि ये वाहिद पार्टी है कि जिसने एक वर्ड पाकिस्तान के ऊपर, ये वो कौम है जो कि पाकिस्तान के नाम पे मरती है, ये वो कौम है, ये उर्दू स्पीकिंग कौम जिन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं, ये वो कौम है जिन्होंने पाकिस्तान को बहुत कुछ दिया है, और ये वो कौम है जो बर्दाश्त नहीं कर सकती। एक अल्फाज के ऊपर उन्होंने पुराने ताल्लुकात छोड़ दिए और हम एक पाकिस्तान मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट अंडर फारूक सत्तार साहब के अंडर अब काम कर रही है, जिसका कोई वास्ता पुरानी लीडरशिप के साथ नहीं है, कोई ताल्लुक पुरानी लीडरशिप के साथ नहीं है, कोई आइडियोलॉजी के साथ नहीं है, फिर भी एस्टेब्लिशमेंट हमें नहीं चांस दे रही, फिर भी हमें कोई ऑफिसेज नहीं है, हमारे ऑफिसेज नहीं खोलने दे रहे। आप इससे ज्यादा गैर जमूरी बात क्या हो सकती है कि एक पॉलिटिकल पार्टी को आप ऑफिसेज ना खोलने दें, ठीक है, अवेस्ट हो, आप जलसे ना करने दें, आपकी जाने बाऊंगी, और ताहिर साहब कहते हैं बैंड ऑर्गेनाइजेशन को आप देते हैं जलसे, हमें नहीं देते जो भी है, और इसके कोई एज सच कोई इलेक्टोरल इन्फ्लुएंस नहीं है कराची की सियासत के ऊपर, आप इसको कैसे देखते हैं? क्या फ्यूचर के अंदर जो इलेक्शंस होंगे उसके अंदर एमक्यूएम पीएसपी कोई डेंट भी मार पाएगी, या आप समझते हैं कि जिस तरह ताहिर साहब कह रहे हैं ये टोला ही बन जाएगा, और खास तौर पे हमने अब जो देखा है कि लोकल बॉडीज में ये आत गए, इनके पास कोई पैसे नहीं थे, कोई काम नहीं कर पाए, वो कहते हैं कि सिंध की असेंबली नहीं देती या सिंध की हुकूमत नहीं देती, मगर आम इंसान का तो मसला वही है, कराची आज भी गंदा है, आज भी उसके मसाइल वही है। मुझे देखिए ये कितना डेंट डालेंगे, पहले तो अपनी गाड़ी में खुद ही बैठे हुए हैं और उसी में डेंट डाल रहे हैं दोनों कैंप्स। एमक्यूएम पाकिस्तान में मसला क्या है? एमक्यूएम पाकिस्तान का मसला ये है कि अल्ताफ हुसैन साहब की मौजूदगी में
एक ऑल्टरनेट क्यादत का वजूद ही नहीं आया, इस वजह से क्यादत का फुकदान नजर आता है मुझे और फारूक सत्तार साहब को मुश्किलात का सामना है। दूसरा, एम क्यू पाकिस्तान को जो सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट और पॉलिटिकल इस्टेब्लिशमेंट से स्पेस के जो मुतलाशी थे या स्पेस जो चाहिए थी वो नहीं मिली और उन्होंने शायद अपने कार्ड सही भी नहीं खेले। तीसरी बात ये कि जो पीएसपी का जो मसला है उसमें मुस्तफा कमाल साहब, उनकी रेपुटेशन पास की बहुत अच्छी है एज एन एडमिनिस्ट्रेटर, अनीस कायम खानी साहब का वर्किंग कार्डर पे बहुत कंट्रोल है और इस वक्त भी हजारों वर्कर्स उनके साथ हैं, लेकिन असल मसला है परसेप्शन का। पीएसपी का परसेप्शन यह है कि एस्टेब्लिशमेंट उनको यहाँ पे उन्होंने प्लांट करवाया है और उसी वजह से कितना वोटर्स को वो अट्रैक्ट कर सकेंगे That's a big question. ये बहुत बड़ा सवाल है। और आई एम सॉरी कि वसीम आफ्ताब साहब हमें ज्वाइन नहीं कर पा रहे, हम बहुत कोशिश करें। वसीम आफ्ताब साहब हमें, मुझे बताया जा रहा है कि उन्होंने ज्वाइन कर लिया। ये जो अवैस तौहीद साहब कह रहे हैं कि जी आपका, आपको बुरा लगे या अच्छा लगे, परसेप्शन तो है आपके ऊपर कि जी आप एस्टेब्लिशमेंट की पार्टी हैं और कहीं ना कहीं से तो ये टूट के आ रहे हैं, ज्यादातर एमक्यूएम से ही आपके पास लोग आ रहे हैं, तो सर इसका आप क्या करेंगे गोइंग इन टू द 2018 इलेक्शन? अच्छा, मुझे तो बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा अवैस तौहीद भाई की बात, उनकी राइट है और इसी माशरे की इसी रविश को तब्दील करने के लिए पाकिस्तान जमीन पार्टी बनी है। मेरी बात सुनिएगा, थोड़ा सा मुझे टाइम दे दीजिएगा। देखिए, ये जो परसेप्शन है, इस परसेप्शन के बारे में आप मेरे भाइयों का तस्वुर 22 अगस्त पे क्यों नहीं चला जाता है? 22 अगस्त को क्या हुआ था इस शहर में प्रेस क्लब के ऊपर? फारूक सत्तार साहब और उनके दीगर रहनुमा बैठ कर जी भाई कर रहे थे। जब अल्ताफ हुसैन पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगा रहे तो जी भाई नहीं कर रहे थे, सिर्फ ये कह रहे थे कि हमारा भी दिल नहीं चाहता पाकिस्तान पे नारा लगाने के लिए। 5 बजे जब पूरे पाकिस्तान का गुस्सा देखा और फिर एकदम मेरा एक भाई आया कोई ठाकुर नाम का, वो फारूक सत्तार साहब को ले गया और सुबह जब फारूक सत्तार साहब वापस आ रहे हैं तो क्या जिंदाबाद पाकिस्तान और डीजी रंजन जिंदाबाद। आज उनकी जमात ने जो कहने 22 अगस्त के बाद नई जमात बन गई, उसने सिंध असेंबली के अंदर कायदात पेश की और मंजूर हुई कि भाई अल्ताफ हुसैन के ऊपर आर्टिकल 6 इम्पोज किया जाए और उस पर जो मुकदमा बने हैं उसके अंदर फारूक सत्तार साहब सहूलतकार हैं। तो भाई एक आदमी जिस पर इतना बड़ा मुकदमा चल रहा हो, अदालत में उसके नॉन वैलिबल वारंट गिरफ्तार इशू किए, वो शहर में घूमता फिर रहा है, सब कुछ कर रहा है, तो प्रेशर तो वहां होना चाहिए। ड्राई क्लीनर मशीन तो उधर लगी हुई है, ये तासुर वहां पे कायम क्यों नहीं कर रहे? सिर्फ इस वजह से फारूक सत्तार साहब आपको अच्छे लग रहे हैं? तो इंसाफ के तकाजे प्रॉपर करें। मेरी एक जमात है, मेरी आइडियोलॉजी है, आपको उससे इख्तलाफ है, बिल्कुल वो होना चाहिए, हर इन जरूरी तो नहीं कि हम सब लोग मिलकर एक ही बात करेंगे। तो अगर इस बुनियाद पर आप फरीक बन के ये बात करेंगे तो ये मेरे ज्यादा होगी। मुझसे ज्यादा इस वक्त मुश्किलात वहां पर हैं, वो एक पार्टी जो फारूक सत्तार साहब ने, मैं आपसे पूछता हूँ, पीपल्स पार्टी ने मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहबा ने मखदूम अमीन साहिब, मेरी बात कुछ और चले गए। मैंने आपसे सवाल किया था सर कि आपके बारे में परसेप्शन है, और बल्कि मैं शुरू में भी आपसे सवाल किया था अरशद वोरा का, आप क्या करेंगे? एक तो वो डिपाइन करेंगे, दूसरा कि क्या उनके पर जो इल्जामात है उनकी तहकीकात होनी चाहिए कि नहीं? आई वांट अ क्लियर आंसर सर ऑन दिस, साफ जवाब मुझे। अच्छा, अब उस वक्त आपकी लाइन डिस्टर्ब हो गई। चले, अब दीजिए जी। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ कि ये इन्वेस्टिगेशन ये इतनी सालों बाद क्यों की जा रही है? उस वक्त क्यों नहीं की गई थी जब इसके अंदर रॉ इन्वॉल्व थी? जब रॉ निकल गई, मैं तो कहता हूँ इन्वेस्टिगेशन कीजिए, लेकिन इसके साथ साथ एक कमीशन बनाइए कि ये इन्वेस्टिगेशन उस वक्त रुक क्यों गई? इस वजह से कि उसमें रॉ पहली दफ़ा पकड़ी गई थी अल्ताफ हुसैन के थ्रू, आपने उस वक्त इन्वेस्टिगेशन क्यों रोकी? उस वक्त इंटरवीन क्यों नहीं किया आपने जब हिंदुस्तान पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर के अंदर दहशतगर्दी में पैसा देते हुए अल्ताफ हुसैन खुद उसको एडमिट कर रहा है, आप उस वक्त इन्वेस्टिगेशन नहीं करते? अब ये आपने कर लिया, थोड़े बहुत ये दिखाने के लिए जगलरी है, ये कर लीजिए आप बिल्कुल, लेकिन असल में वो था आपने कलभूषण के बाद कोई सबसे बड़ा एविडेंस पकड़ा था। ये सारे जो इल्जाम है ना ये हम सुन चुके हैं मुर्तजा वहाब साहब, सवाल ये उठता है और ट्रांसपेरेंसी की बात इसलिए होती है पाकिस्तान के अंदर कि इस तरह के इल्जाम लगते रहते हैं सियासी जमातों के ऊपर, मगर अगर उसकी प्रॉपर तहकीकात होए तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इस के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या दीगर जमातें इकट्ठे मिलकर कह दें कि चलें जी हम इकट्ठा मिलकर एक तहकीकात करा देते हैं, हम इंटरनल तहकीकात करा देते हैं, हम एक कमीशन बना देते हैं, ऐसा कुछ नहीं हुआ? देखिए मुनीज़े, तहकीकात तो चल रही है गालिबन, ये जो वसीम साहब जिस बात की जिस केस का इशारा कर रहे हैं एफआईए में उसकी इन्वेस्टिगेशन, जी एफआईए उसकी इन्वेस्टिगेशन कर रही है
और जो मैंने मीडिया में देखा है कि नोटिस जारी किए गए हैं उन लोगों को जिनके अकाउंट से वो पैसे ट्रांसफर किए गए थे, तो हमें उम्मीद ये करनी चाहिए कि उसकी इन्वेस्टिगेशन जो है वो शफाफ तरीके से होगी और जिस किसी ने भी कानून शिकनी की है, जिस किसी ने मनी लॉन्ड्रिंग का काम किया, किसी ने भी पाकिस्तान के खिलाफ काम किया, उसके खिलाफ कार्रवाई हो। अच्छा, ये बात तो बिल्कुल सही है। दूसरा ये बताइए कि जहां तक MQM का एक सेकंड वसीम साहब, जहां तक MQM का सवाल है और कराची दिया, अगर आप इस वक्त भी ये मेरे ख्याल में ये सर आपका मसला हो गया था ना, मुझे आप दो सेकंड तो दीजिए, सवाल तो करने दे, फिर आप बोल सकेंगे। मसला तो आपके एंड पर हुआ है, मेरा मसला नहीं, मसला आपके एंड पर हुआ। हां सर, आई अपोलोजाइज फॉर इट, आई विल टेक यू बैक इन। मुर्तजा वहाब साहब, ये जो KMC के अंदर हुआ है, नो कॉन्फिडेंस मोशन की बात हो रही है, मुझे ये बताइए कि आपकी पार्टी ने कहा है कि हम इसके पर सोच विचार करें कि हम नो कॉन्फिडेंस मोशन लाएंगे MQM के खिलाफ, तो क्या आप लाने का वाकई में सोच रहे हैं? देखिए, तो फैसला किया जाएगा कि आया जो मेयर साहब हैं वो ऐवान का कॉन्फिडेंस कम्प्लीटली रखते हैं या नहीं रखते, ये देखने के बाद नंबर्स को जो फैसला किया जाएगा। लेकिन मैं एक सिर्फ कर्नल ताहिर मशीदरी ने जो बात की थी कि KMC को वो इख्तियारात सिंध हुकूमत नहीं देती या कोई फंड्स नहीं देती, मैं सिर्फ इसको क्लैरिफाई कर दूं कि देखिए, जो KMC के सब्जेक्ट्स हैं, जहां जहां से उसको रेवेन्यू जनरेट करना है वहां से तो KMC जनरेट कर रही है, बट इन एडिशन टू दैट सिंध हुकूमत हर साल KMC को 6 बिलियन रुपीस की एड देती है टू मीट इट्स एक्सपेंसेस। तो ये कहना थोड़ा सा गलत है, और ये सिर्फ जो एडिशनल फंड दिया जाता है या बजट दिया जाता है सिर्फ KMC को दिया जा रहा है, इसके अलावा किसी और डिस्ट्रिक्ट के अंदर या शहर अच्छा। के अंदर ये एडिशनल पैसे नहीं दिए जाते। मेरे ख्याल में अगर KMC अपने हाउस को इन ऑर्डर खुद कर लेगी तो बेहतर तरीके से काम कर सकेगी। ताहिर साहब, एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान पढ़ लें, 120A, the provincial government local bodies all administrative, political and development funds and power, वो नहीं दिया आप लोगों ने, you have denied that, और वो in fact you have taken away voter board, किसके पास है voter board, what has voter board got to do with the provincial government? कौन सी कंट्री में, कौन से मुल्क में, कौन से मेट्रोपॉलिटन सिटी ऑफ द वर्ल्ड में ये स्टेट के पास है, सिवाय सिंध गवर्नमेंट ने, किसी के पास नहीं है। बिल्डिंग लॉज आपके पास है, रिस्पॉन्ड कर दूं मैं, वो सैनिटेशन आपके पास है, सफाई आपने ले ली है, तो बाकी रह क्या गया? वो 2.5 करोड़ लोगों को कराची ने होस्ट किया हुआ है, और कराची की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो 80 लाख लोगों के लिए। मुर्तजा साहब, आप रिस्पॉन्ड करें, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है और ये बार बार MQM रेज करती है। मैं बिल्कुल मशदी साहब, आई हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर यू, बहुत ज्यादा एहतराम के साथ। 2002 के अंदर नेमतुल्ला खान साहब कराची के सिटी नाजिम थे और यही वसीम अख्तर साहब मिनिस्टर फॉर लोकल गवर्नमेंट थे। आप चेक कर लीजिए उस जमाने में वाटर बोर्ड कौन हेड करता था। ये प्लीज, इस तरह के इल्जाम लगाने से कराची की खिदमत नहीं होती। कराची के ऊपर ही रिपोर्टिंग करते रहे हैं, कई अरसे से करते रहे हैं। अवैस साहब, ये एक कश्मकश जरूर है कि क्या लोकल बॉडीज इसलिए काम नहीं कर पा रही क्योंकि प्रोविंशियल गवर्नमेंट उनकी मदद नहीं कर पा रही, या वाकई में एक फुकदान है और जो लोकल बॉडीज है वो खुद ही नहीं काम कर रही? देखिए मुनीजे, मैं प्रोफेशनल में करियर के अंदर मैं लंदन में रहा हूँ, इतने सारे वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर रहा हूँ, पेरिस में रहा हूँ, हांगकांग में रहा हूँ। ये कराची में यतीमी और मिस्कीनी का की जो तस्वीर है उसका कोई सानी नहीं है। यहाँ पर एक सड़क शुरू होने में, उसको कंप्लीट होने में कोई 4 महीने भी लग सकते हैं, 6 महीने भी लग सकते हैं। इसमें पीपल्स पार्टी भी मुरद इल्जाम है, इसमें MQM भी है, इसमें सारी वो जमातें जो यहाँ पर गवर्न करती रही हैं, और इन्हीं का कोलिशन था पिछले दौर हुकूमत में भी। ये स्कोर पॉइंट स्कोरिंग करते हैं, आप देखिए पूरे सिंध का हाल यही है। अब कोई आर्टिकल 140 ये साइड कर लें, आर्टिकल 120 कर लीजिए। बात ये है, देखें जब तक कराची को मेट्रोपॉलिटन सिटी के तौर पर गवर्न नहीं किया जाएगा उस वक्त तक यहाँ की हालत सही नहीं होगी। 3 बड़े मसले हैं, एक सियासी मसला है, एक गवर्नेंस का मसला है, तीसरा लॉ एंड ऑर्डर, ये टेररिज्म का मसला है। जो हमारी रियासत है, सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट है, रियासती इदारे हैं,
मुख्तलिफ अदवार की हुकूमतें हैं वो इसको देखते हैं सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर के मसले के, और यही पंजाब में माइंड सेट है, वो कराची को देखता है लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से। तो अगर अच्छा सही नहीं होगा तो फिर ये बस हम और आप बैठ के ये बातें करते रहिए सारे पॉलिटिशियन। दूसरी बड़ी बात यह है कि कराची की सियासत में इस्टेब्लिशमेंट की खिलवाड़ की एक तारीख है और वो बहुत पुरानी है और वो कई दफा बैकफायर कर चुका है। आपको आज मैं बताऊं कि इसी इस्टेब्लिशमेंट की जो मुख्तलिफ सोच है, ये डिवाइडेड सोच है जी, वो ये अक्कासी कर रही है आज कराची की सियासत पे। और जो गवर्नर डॉक्टर इशरत लिबाद का यहाँ से एग्जिट है वो भी इसी का नतीजा थी, जो ये जो मुनकसिम सियासत या मुनकसिम सोच जो इस्टेब्लिशमेंट की है, जब तक ये नाखून होश के नाखून नहीं लेंगे उस तक मामला कराची के सही नहीं होंगे। ये फिर वही मैं आपको बता रहा हूँ, ये ऐसे दरख्त के सामने खड़े हुए हैं कि जैसे फल लगे हुए हैं, वोट लगे हुए हैं और इनकी झोली में गिरेंगे, बिल्कुल नहीं गिरेंगे। कराची के अंदर एक इंतशार की सूरत हाल होगी अगर इन्होंने इसको गवर्न नहीं किया मेट्रोपोलिटन सिटी के तौर पर। इसमें पीपल्स पार्टी भी मुरद इल्जाम है, एमकेएम खुद मुरद इल्जाम इसको है। ये इल्जाम से बरी जिम्मा नहीं हो सकते ये लोग। इनको ये समझ नहीं आती कि कराची को अगर सही नहीं करेंगे, कराची सिर्फ उर्दू बोलने वालों का शहर नहीं है। मैं खुद यहाँ लाड़काना से आया हूँ, मोहम्मद हनीफ ओकाड़ा से आया है, वसतुल्ला रहीम यार खान से आए हैं, हम सब लोग ने यहीं पे पढ़ा है, यहीं पे अपने ख्वाब बुनने की कोशिश की। ये समझ रहे हैं कि पता नहीं है कौन सी पॉइंट स्कोरिंग है जो यहाँ। अच्छा वैसा बात आपने अहम की है, मगर देखिए देखिए अगर कुछ जमातें इकट्ठी हो जाएं या एमक्यूएम जो डिवाइडेड है वो इकट्ठी हो जाए तो शायद कोई बेहतरी आ सकती है। वसीम आफताब साहब से पूछूंगी, वैसा अगर आपको आवाज आ रही है मेरी, वसीम आफताब से मैं पूछूंगी। वसीम आफताब साहब ये बताइए कि वसीम अख्तर साहब ने ऑलरेडी कह दिया है, उन्होंने बयान दिया कि जी 2018 में जो एमक्यूएम पाकिस्तान एमक्यूएम पीएसपी है वो एक फिक्स डिपॉजिट की तरह है और 2018 में वो वापस जम हो जाएगी। एक जमाने में आपकी कुर्बतें जो है वो कम हो रही थी और ये कोई बुरी बात नहीं है। क्या आप लोग इकट्ठा एक यूनाइटेड फ्रंट प्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप इस तरह बढ़ गए तो शायद आपके यहाँ से भी वोट बैंक जाएगा उनके यहाँ से भी। देखिए मैं ये समझता हूँ कि अवैस तोहिद भाई बड़े काबिल कदर इंसान हैं, बड़े अच्छे इंसान हैं, लेकिन मैं थोड़ी सी ज़रा से उनकी माजरत के साथ थोड़ा सा इख्तलाफ करूँगा कि देखें आपके तजिए वो बहुत ही काबिल कदर हैं, उसमें बड़ी इंफॉर्मेशन होगी, या कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आपके तजिए गलत साबित हो जाएँ। मैं आपकी एक छोटी सी मिसाल दूँगा, जब पाक ज़मीन पार्टी के सरबरा मुस्तफ़ा कमाल कराची में आए थे, उन्होंने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, तो मैं समझता हूँ अवैस तोहिद भाई या इन जैसे दूसरे मेरे बहुत बड़े भाइयों ने, प्यारे भाइयों ने ये कहा था कि कराची के अंदर कत्लो गारत गरी हम देख रहे हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कराची शहर नॉर्मल हो गया। तो सबसे पहले तो वो आपका वो तजिया फारिग हो गया। तजियों को छोड़े वसीम साहब, चूंकि वक्त बहुत वक्त की किल्लत है, मैं सिर्फ आपसे पूछना चाहती हूँ 2018 के इलेक्शन क्या एमक्यूएम पीएसपी एमक्यूएम पाकिस्तान इकट्ठे हो सकते हैं सर? देखिए मुनीजा, अगर आपको सिर्फ अपनी बातें करनी है तो फिर मेरे ख्याल में आप खुद से कर लिया करें, आप दूसरों को बुलाए नहीं करते। फिर आप बड़ी जबरदस्त तो नहीं है ना, बड़ी जबरदस्त बात करते हैं आप लोग भाई, बड़ी जबरदस्त बात कर रहे हैं आप लोग। मैं कहता हूँ कि आपके आपके इल्म और मंजिलत पे तो हम पहुंच ही नहीं सकते, आप तो आसमान है, हम फर्श पर है, आपसे अच्छी कोई बात करने वाला ही नहीं है। और आपके तजिए तो सर उस पर तो आसमान सर, तजिया नहीं सवाल है, 2018 का इलेक्शन क्या आप इकट्ठे हो सकते हैं? सर मैं ये कह रहा हूँ कि देख, मैं ये कह रहा हूँ कि देखे कभी कभी आपके तजिए गलत भी हो सकते हैं, हमने सारे आपकी तजिए गलत कर दिए। सर क्यों नहीं हो सकते? अगर देखे ना, मैं ये कह रहा हूँ कि वो वसीम अख्तर साहब की जो आपने बात की भाई, वो तो काम ही इस वक्त शहर में कमीशन ले रहे हैं पूरे शहर ने, अभी बैनर लग गया हैदराबाद के मेयर की, मीडिया ने चलाई है ना वो फुटेज जिसके अंदर एक दूसरे पर इल्जाम लगाए जा रहे हैं। इस सारी सूरत हाल के बावजूद एक तरफ रख दीजिए सर, मैं कहता हूं कि अगर हम नाकाम भी हो जाते हैं, ये शहर तो नॉर्मल हो रहा है, लेकिन इस शहर के साथ बेहतरी होनी चाहिए। क्या एक आदमी हम इस बुनियाद पर एक हो जाए कि भाई चलो ठीक है, चूंकि एक चोर है दूसरा कम चोर है, हम सब मिल जाए दोबारा शहर को लूटें? तो बात यह कि शहर के साथ अच्छा होना चाहिए, और ये जरूरत नहीं है कि दो बुरे लोग इस बुनियाद पे मिल जाएंगे भाई शहर को लूटना है। ओके, हमें मिलना चाहिए। ओके सर, अब लास्ट सवाल आपसे करूंगी ताहिर साहब, 2018 का जो इलेक्शन है उसके अंदर क्या आप देखते हैं, जिस तरह वसीम अख्तर साहब ने भी बयान दे दिया कि जी शायद एमक्यूएम पीएसपी के कुछ लोग वापस आपके साथ आ गए, जॉइंट फ्रंट एक जमाने में तो बात हो रही है, जो भी ग्रुप्स बैठे हुए हैं, जो भी 10 आदमी